नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से यहां पर लेकर आए हैं गणित शिक्षा शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणित शिक्षा शास्त्र के आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 15 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और इसे आप जितनी भी वीडियो हमारी आती है शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम 15 में से 15 नंबर की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम यहां पर कवर कर पाएं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसे पहले क्वेश्चन के साथ में। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि गणित विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है? तो यहाँ पर स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव जीवन का। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है। यहाँ पर गणनाओं का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन दो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है ये आपको बताना है। तो बात हो रही है यहाँ पर प्राथमिक स्तर की। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व होता है वह मानसिक होता है। ठीक है, मानसिक क्षमता में वृद्धि करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं गणित एक तार्किक विषय है और इससे जो बालकों की तर्क करने की प्रकृति है, तर्क की क्षमता है, उनकी मानसिक क्षमता से यह संबंधित होती है। और इस प्रकार से यह प्राथमिक स्तर पर इसका मानसिक महत्व हो जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी होता है गणित का, लेकिन प्राथमिक स्तर पर मानसिक महत्व होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन थ्री। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह क्या है? ठीक है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में जो गणित का सर्वाधिक उपयोग है, यहां पर एक बार फिर से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सर्वाधिक उपयोग की बात हो रही है। तो सर्वाधिक उपयोग होता है आर्थिक क्रियाओं में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी इसका महत्व होता है। ठीक है, गणितीय गतिविधियों का, लेकिन इसका जो सबसे सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वह आर्थिक क्रियाओं में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन फोर है, गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति किस प्रकार की होती है? सजावटी होती है, तार्किक होती है, कठिनता वाली होती है या फिर सामान्य के लिए नहीं होती है? तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, और यह तर्कों पर आधारित होती है। उम्मीद है लगभग सभी लोगों का यह क्वेश्चन सही होना चाहिए। और गणित से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन यदि वहां पर तर्क दिया होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं गणित एक तार्किक विषय है और इसे की प्रकृति भी तार्किक होती है। ठीक है, इसी प्रकार के हम आगे और क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपका यहां पर और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फाइव है, लिखा हुआ है हस्तपरख प्रतिमान, हस्तपरख प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ, खालिस्तान। यहाँ पर संदर्भ खालिस्तान को दर्शाने के पांच तरीके हैं। तो किसे दर्शाने के पांच तरीके हैं ये आपको बताना है। यह ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, गणित चिंतन एवं विचार, ज्यामिति प्रमाण, गणितीय की पाठ्याचार्य, गणितीय शब्द भंडार। ठीक है, तो यह किसे दर्शाने के पांच तरीके हैं? गणितीय चिंतन एवं विचार को। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चरित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ जो होते हैं, यह गणितीय चिंतन को दर्शाने के पांच तरीके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिक्स, शिक्षण शास्त्र का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का प्रमुख केंद्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो पाठ्यक्रम होता है, कक्षा होती है, बालक होता है या फिर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होती है। तो शिक्षण शास्त्र का यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र होता है यह होता है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, शिक्षक यहाँ पर शिक्षकों को किसी भी विषय के बारे में जिस सब्जेक्ट को वह पढ़ाता है उसके संबंध में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया से अवगत कराना जो होता है शिक्षण शास्त्र का प्रमुख केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सेवन है यहाँ पर, एक कक्षा गणितज्ञ, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। ठीक है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। तो यहाँ पर
और ऑप्शन डी है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। ठीक है, तो गणित एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन सी, सभी अवधारणाओं को या फिर विधियों को समझना, उन्हें लागू कर पाने में सक्षम होना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8, विद्यार्थियों में गणित के प्रश्नों को हल करने में होनी चाहिए, विद्यार्थियों को गणित के प्रश्नों में हल करने में होनी चाहिए, आलस्य होना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं, शीघ्रता होनी चाहिए तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई भी क्वेश्चन अधिक शीघ्रता में हल किया जाए तो उसमें गलतियां होने के चांस बहुत ही अधिक होते हैं, और ऑप्शन सी है केवल शुद्धता। तो केवल शुद्धता पर ध्यान देंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ही अधिक टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ऑप्शन डी है यहां पर निपुणता। ठीक है, तो इसका निपुणता जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी है, वह किसी भी सवाल को हल करता है वह और उसमें निपुण होता है वह हल करने में, तो उसमें शीघ्रता भी शामिल होती है और शुद्धता भी। ठीक है, अर्थात ये किसी भी बालक को या किसी विद्यार्थी को प्रश्नों को हल करने में क्या होना चाहिए, तो निपुण होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन 9 है, लिखा हुआ है कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। ठीक है, कोई भी जो गणित का अध्यापक है या फिर गणित के अलावा कोई और भी सब्जेक्ट का अध्यापक है, तो विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। ठीक है, कि सभी के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार हो उसका, बच्चों अच्छे से बात करें। ठीक है, ऑप्शन बी है अच्छे से बात करें, ऑप्शन सी है बच्चों से प्यार करें, या फिर ऑप्शन डी है व्यक्तिगत ध्यान दें। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? आप सभी लोग इसका आंसर लगा चुके हैं, वो ऑप्शन डी व्यक्तिगत ध्यान दें। ठीक है, किसी भी अध्यापक को एक अच्छा अध्यापक होने के नाते विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध विकसित करने के लिए यह अति आवश्यक है कि वह सभी विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दे और सभी पर एक समान रूप से ध्यान दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10, NCF मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या फिर राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा, ठीक है, जिस भी नाम से आप इसे पढ़ते हो, 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो किस प्रकार का होना चाहिए गणित शिक्षण? बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक नहीं, पाठ्यक्रम यहाँ पर ऑप्शन होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए या फिर उपर्युक्त सभी। तो NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए तो यह पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि पाठ्यक्रम पर आधारित होगा तो इसमें जो बालक हैं उनकी आयु वर्ग पर ध्यान रखा जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के छात्र होते हैं, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के छात्र होते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के छात्र होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए गणित शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 11, लिखा हुआ है कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक जोड़ सका रहा है। ठीक है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक जोड़ सका रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन के लिए किया जाए, योग के शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत का योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा उपर्युक्त आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, शाब्दिक प्रश्नों को कक्षा 2 में विद्यार्थियों को शिक्षक जोड़ सका रहा है। तो कौन सी युक्ति का अनुसरण निम्न में से उपर्युक्त होगा? ऑप्शन डी शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन आपको बताना है, यह कथन की प्रकृति कैसी है, सत्य है यह कथन, असत्य है, सत्य है तो सत्य क्यों है? ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है यह कथन गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो यह इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही को दर्शाती हैं, तो यह भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है यह कथन सही होगा क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। ठीक है, इसलिए त्रुटियों होना बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी गणित शिक्षण में या फिर गणित सब्जेक्ट में, क्योंकि यह जो गलतियां होती हैं यह
किसी भी शिक्षक को यह बोध कराती हैं कि उसके द्वारा जो अधिगम दिया गया है, जो सिखाया गया है, उसमें किस प्रकार से बच्चों ने उसे ग्रहण किया है, उसकी अवधारणाओं का किस प्रकार से वह उपयोग करता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, तो यहाँ पर कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, या फिर समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां किसमें मदद करती हैं, तो समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अधिकतर गलती यहीं पर करते हैं छात्र। क्वेश्चन में लिखा होता है नहीं है, लेकिन उसे अक्सर पढ़ लिया जाता है कि है। ठीक है, इसलिए आपको पता नहीं कौन सा नहीं। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना, या फिर गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ठीक है, यहाँ पर क्या उद्देश्य होता है, बच्चों की मानसिक जो क्षमता होती है उसे बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना, और गणित में उच्चतर की तैयारी करना, ये सभी उद्देश्य होता है। लेकिन जो नहीं होता है, बच्चे की सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ठीक है, गणितीय रूप देना यह जो होता है प्राथमिक विद्यालयों में नहीं होता है, उच्च कक्षाओं में, या फिर कह सकते हैं कि माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में यह इसका उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन 15 है। लिखा हुआ है कि किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना होता है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है विद्यार्थियों को फीडबैक देने की, ना कि विद्यार्थियों के अधिगम का, उनके सीखे उन्होंने क्या सीखा है उसका फीडबैक लेने की। ठीक है, या फिर आपने क्या सिखाया है इसका फीडबैक लेने की बात नहीं हो रही है, इसके अलावा फीडबैक देने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों का फीडबैक देना है। निदानात्मक मूल्यांकन में यह होता है, रचनात्मक मूल्यांकन में होता है, या फिर सारांशात्मक मूल्यांकन में फीडबैक दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निदानात्मक मूल्यांकन। किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना होता है, तो यह होता है निदानात्मक मूल्यांकन का। अब किस प्रकार का यह मूल्यांकन है निदानात्मक, तो निदानात्मक जो मूल्यांकन होता है इसमें इसका आशय यह होता है कि जो आपने पढ़ाया है उसकी कमियों को पकड़कर बताना बच्चों की, आपने यह गलती की है इसमें। ठीक है, जिसके बाद उसकी उपचार की प्रक्रिया शुरू होती है, आप उसे समझा सकते हैं। ठीक है, यह फीडबैक देने का अर्थ होता है, जो कि निदानात्मक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। प्रिया गणित के प्रश्न करने में निपुण है। कौन प्रिया है? प्रिया नाम की छात्रा है जो कि गणित के प्रश्न करने में निपुण है, तो यहाँ पर उसमें किस प्रकार की बौद्धिकता की अधिकता है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर किस प्रकार की बौद्धिकता होगी, उसमें तार्किक बौद्धिकता। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, प्रिया गणित के प्रश्न करने में निपुण है, तो उसमें तार्किक बौद्धिकता की अधिकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन 17 है। यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, ठीक है, एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, तो यहाँ पर उनमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। ठीक है, कौन सी असमर्थता उसमें पाई जा सकती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें से ऑप्शन ए है लेखन अक्षमता, जिसे हम डिसग्राफिया कहते हैं, ये सभी आपको याद रखनी है। ठीक है, लेखन अक्षमता को हम बोलते हैं यहाँ पर डिसग्राफिया, गणितीय अक्षमता को बोलते हैं डिसकैलकुलिया, और यहाँ पर पठन अक्षमता या फिर पढ़ने की अक्षमता को बोलते हैं यहाँ पर डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि कोई छात्र है संख्याओं को समझने में, उन्हें लिखने में, या परिकलन में समस्या हो रही है, तो वह किससे पीड़ित हो सकता है, डिसकैलकुलिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गणितीय अक्षमता
हो सकती है उसे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरण मतलब ऐसे उपकरण जिससे छात्र उनसे खेल के प्राथमिक स्तर पर जो छात्र होते हैं वह उपकरणों के माध्यम से खेल के सीखते हैं, ठीक है, इस प्रकार के उपकरण, क्योंकि वह बहुत महत्व करते हैं, इनका महत्व है क्योंकि वह बहुत मदद करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है मानसिक और मौखिक परिकलन करने की गति को बढ़ाते हैं, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, मूल गणितीय संकल्पना को समझने में मदद करते हैं, या फिर ऑप्शन डी है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो व्यवहारिक उपकरण होते हैं इनका महत्व होता है, इसलिए होता है क्योंकि यह मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में मदद करते हैं या फिर समझने के लिए होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन 19 है, लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होगी। तो चार ऑप्शन हैं, इनमें से ऑप्शन ए है उनमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, उनमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए, वह आकर्षक होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो प्राथमिक स्तर पर गणित की पुस्तकें होनी चाहिए उनमें जो अवधारणाएं हैं विधियां हैं वह परिचय उनमें का जो परिचय है वह संदर्भों के साथ में दिया जाना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी हैं उन्हें अच्छे तरीके से समझ पाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, या फिर महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, या फिर संरक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, जो संरक्षण है यह महत्वपूर्ण पहलू नहीं होगा संख्या की समझ का। इसके अलावा पंक्तिबद्धता, गणना और अंक लिखना यह सभी संख्या की समझ को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 21 है, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु, यहाँ पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो किसमें सहायता करते हैं, 10 ग्राम बिंदु के खेल एवं जो प्रतिरूप हैं यह सहायता करते हैं आपके। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने में, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, या फिर परिकलन कौशलों के संवर्धन में, ठीक है। तो इसके हम आंसर की बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, तो स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन 22 है, यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा देखिएगा। और लगभग यहाँ पर हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा पार्ट 2 जल्दी अपलोड किया जाएगा जिसमें हम 30-40 क्वेश्चंस को, इस प्रकार हम टोटल यहाँ पर लगभग 150 से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें और एक मिनट रुककर आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों तक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ताकि उन्हें भी यह वीडियो मिल सके, ठीक है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 है, लिखा हुआ है गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। तो गणित की शिक्षा का ध्येय क्या है। ऑप्शन ए है ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ठीक है। तो क्या होगा इसका, गणितीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख ध्येय होगा बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गणित को वह सीख पाए, समझ पाए, उसे व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कर पाए, ये जो होता है गणित का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है किस लिए, उपलब्धि की जांच करने के लिए, अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, कक्षा में प्रोन्नति के लिए, प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो मूल्यांकन किस लिए किया जाता है,
उपलब्धि की जांच करने के लिए जो आपने पढ़ाया है उसे किस प्रकार से बच्चों ने अधिकृत किया है, किस प्रकार से वह सीखे हैं उन्होंने, ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धि की जांच करने के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है तो कौन सा है, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना या फिर उपर्युक्त सभी। तो गणित की पाठ्य पुस्तक का अंग है, यहाँ पर उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। गणित ये अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, गणित की क्रमबद्धता, अवधारणाओं की क्रमबद्धता एवं व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 25। एक शिक्षार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। एक शिक्षार्थी या फिर एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट जो है गणित में जो सॉरी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है तो क्या स्पष्ट नहीं है यहाँ पर, आयतन की अवधारणा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है, आयतन की अवधारणा से स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है, NCF 2005 बल देता है तो रटने पर बल देता है, बिल्कुल भी नहीं, करके सीखने पर बल देता है, सूत्र याद करने पर बल देता है या फिर सवाल हल करने पर बल देता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, NCF 2005 बल देता है, किस पर देता है, करके सीखने पर बल देता है। यहाँ पर दोस्तों एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें NCF 2005 से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, NCF 2005 और 2001 से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक पार्टिकुलर वीडियो में मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं किया है तो, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 27 से लिखा हुआ है, मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं, तो मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं ये आपको बताना है। तो कितने सोपान होते हैं यहाँ पर जो है, तीन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तीन सोपान या फिर तीन चरण होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे पहला चरण होता है वह होता है योजना बनाना, ठीक है, पाठ्य की योजना या फिर उद्देश्यों का निर्धारण करना, ठीक है। दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर जो पहला चरण होता है वो होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना, और दूसरा चरण होता है अधिगम क्रियाओं का आयोजन करना, ठीक है। यहाँ पर शिक्षण बिंदुओं का चयन करना, शिक्षण प्रक्रियाओं द्वारा उपयुक्त अधिगम अनुभव उत्पन्न करने और व्यवहार परिवर्तन, ये सभी शामिल किए जाते हैं अधिगम क्रियाओं का के आयोजन में, ठीक है। तो पहला है उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम क्रियाओं का आयोजन करना, और फिर जो तीसरा है वह होता है स्वयं फिर मूल्यांकन करना। ये होते हैं आपके मूल्यांकन के सोपान या फिर चरण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 28 है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार है तो यहाँ पर इस कथन की प्रकृति किस प्रकार की है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये है कि यदि आप मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पर यदि आपको आंसर पता नहीं है और उसमें तार्किक ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो आपको तार्किक ही सिलेक्ट करना है। अधिकतर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर तार्किक ही होता है गणित से संबंधित प्रकृति में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार है, यह किस प्रकार का कथन है, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, इसके आगे जो क्वेश्चन था यह इस कथन की प्रकृति किस प्रकार की है यह आपको बताना, तो इसकी प्रकृति है तार्किक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए है सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना या फिर समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ऑप्शन सी तार्किक ढंग से सोचने की क्षमताओं का विकास करना, ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30, और इस वीडियो का एक और क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो 30 है लिखा हुआ है, बताए गए नियमों के को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है, बताए गए नियमों को, कल की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम गणित के जो यहाँ पर विधियाँ हैं जैसे निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, इन विधियों के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखेंगे जो कि इन विधियों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
लिखा हुआ है, बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो यह किस शिक्षण विधि से संबंधित है? ऑप्शन ए निगमन विधि से। निगमन विधि में पहले क्या होता है, नियमों को बताया जाता है या फिर नियमों को या फिर सूत्रों को बताया, इसके बाद में उदाहरणों में उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह इस ऑप्शन ए निगमन विधि हो जाएगा। जबकि आगमन विधि में क्या होता है, इसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चलते हैं, जैसे पहले आपको उदाहरण के माध्यम से बताया जाता है और फिर यहाँ पर समस्याओं की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह आगमन विधि होती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक और क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। तो स्किनर, हर्बर्ट जॉन या फिर विलियम किलपैट्रिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है, हर्बर्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद में कल हम इसी के आगे से नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। एक वीडियो में से मैं इसलिए अधिक क्वेश्चन को नहीं लेकर आता हूँ क्योंकि जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि अधिकतर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो देखते हैं और इसके बाद में छोड़कर चले जाते हैं, जिससे आप लोगों का ही लॉस होता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी वीडियो को यदि आप देखते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा आपको उस वीडियो को देखना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है कोई भी वीडियो को आप पूरा देखें, पूरे ध्यान लगाकर देखें, और अनेक वीडियो को आप कभी मत देखें। ठीक है, जो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कभी इस वीडियो को देख लिया, कभी दूसरी को, कभी तीसरी को, तो इस प्रकार से आप बिल्कुल भी ना करें। जिस वीडियो को देखते हैं उसे आप पूरा देखें, उसके बाद में जब भी आपको टाइम मिलता है तो दूसरी वीडियो को पूरा देखें, फिर तीसरी वीडियो को पूरा देखें। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और आप उस सब्जेक्ट को या फिर उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चंस को सही ढंग से सीख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों तक, चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना है। मुलाकात होगी आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।